सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि अगर आप मेकअप के लिए ब्रशेस नहीं यूज़ करना चाहते हो, इट्स टोटली फाइन, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बट देर आर सम ऑफ द स्टेप्स दैट यू कैन नॉट यूज़ योर हैंड्स फॉर दैट. सो आई एम गोना टेल यू इन दिस वीडियो ऑल अबाउट दैट. एंड ऑल्सो इस वीडियो में आपको मैं ब्रशेस की ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊँगी. So if you are beginner in makeup and you are not investing on brushes, it's totally fine, you can use your hand as well. Hey guys, if this is the first video of mine you're watching, then hi, I'm Sreshi. I do make videos on fashion, beauty and dance and so much more. So hit this subscribe button down below and join my family. So if you want to know more about brushes that you guys need to have, then please keep on watching. So अगर आप beginner हो और आप makeup सीखना चाहते हो, then I know you don't want to invest on brushes much. क्योंकि first time जब मैंने शुरू किया था learning makeup, so मैंने भी उतना brushes पे ध्यान नहीं दिया था. But now I kind of know what brushes need to use for which step. So I'm gonna show you some of the least amount of brushes that you can use for your multiple steps of makeup. With that being said, let's start doing my makeup. So for the first step that you guys need to use, that is to moisturize your face. And for that, I am going to use this Pond's moisturizer, which is my favorite moisturizer of all time. और moisturizer apply करने के लिए आपको कोई brushes की ज़रूरत नहीं होती है. तो मैं क्या करूँगी, इसको लेके थोड़ा rub करके इसको थोड़ा heat होने दूँगी ताकि ये absorb कर जाए. Then I will apply all over my face. For the next step, that is to use lip balm for your lips. मैं यहाँ पे use कर रही हूँ Maybelline का lip balm in the flavor Strawberry Crush, जिसको आप totally अपने fingers के help से लगा सकते हो. Now next step is to cover up my dark circles or any dark patches that I have. So इसके लिए आपको color corrector की ज़रूरत है. इसको करने के लिए मैं use कर रही हूँ Nykaa का orange color corrector, जो बहुत easy application है क्योंकि इसको आपको बस roll करना होता है और apply it. और इसको हर एक आपके black spot जहाँ जहाँ पे है आपका dark circle area, इससे आपको कवर करना होता है. इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपना फिंगर्स. आप यहाँ पे एक स्पंज का भी हेल्प ले सकते हो, बट आई एम टोटली फाइन विथ माई फिंगर्स ब्लेंडिंग दिस. नाउ आफ्टर ब्लेंडिंग दिस, यू नीड टू सेट दिस सो दैट इट डजंट मिक्स अप विथ फाउंडेशन एंड कंसीलर एंड ऑल. सो इसके लिए मैं एक प्रेस्ड पाउडर के हेल्प से उसी के साथ दिया हुआ एक स्पंज से मैं इसको सेट कर लूँगी. और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ Maybelline का प्रेस्ड पाउडर. Now for the next step, that is to use foundation. मैं अब use करने जा रही हूँ Maybelline का Fit Me foundation in the shade Toffee, which is my exact shade. तो इसको apply करने के लिए मैं अपने back of my hand में ले लूँगी थोड़ा सा pump, and this much is enough for my face. फिर मैं अपने finger के साथ इसको पूरे फेस में फैला दूंगी. नाउ इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पैक के फाउंडेशन ब्रश, विच इज़ माय फेवरेट ब्रश. आप देख सकते हो इसका फ्लैट फेस ब्रश है ये. सो दिस इज़ परफेक्ट फॉर ब्लेंडिंग योर फाउंडेशन. दिस इज़ इन द नंबर 252. आप देख सकते हो कैसे मेरे फाउंडेशन इवनली स्प्रेड हो चुके हैं on each and every side of my face. So I love this foundation brush. मैंने इसका link description में दे दिया है, अगर आपको खरीदना है तो आप link से जा सकते हो. Now for the next step, to apply concealer. For that I'm going to use color bar full cover makeup stick, जो मेरे skin से थोड़ा light है. Now to blend this, I'm going to use
पैक के 219 नंबर के ब्रश विच इज़ परफेक्ट फॉर ब्लेंडिंग योर कंसीलर। अगर आप इसको ब्लेंड करने के लिए ब्रश नहीं यूज़ करना चाहते हो देन देयर इज़ एन ऑल्टरनेटिव। सो इसके बदले में आप यूज़ कर सकते हो एक ब्यूटी ब्लेंडर और स्पंज। सो मैंने एक डिस्क्रिप्शन में ब्यूटी ब्लेंडर का लिंक दे दिया है, आप टोटली जाके चेक कर सकते हो। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू सेट विद द प्रेस्ड पाउडर दैट आई हैव यूज्ड अर्लियर एंड उसके लिए मैं अगेन इसी कंसीलर ब्रश को यूज करूंगी। एंड यस नाउ कंसीलर हो चुके हैं, सो नेक्स्ट स्टेप इज टू यूज कॉन्टोर। फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज नायका के फाउंडेशन स्टिक इन द शेड 07 विच इज लिटिल डार्कर देन माय स्किन टोन। सो ये ऑब्वियसली काम कर जाता है। नाउ इसको ब्लेंड करने के लिए मैं एक ब्रश यूज करूंगी जिसका ब्रश थोड़ा एंगल्ड है। सो दिस इज एंगल्ड ब्रश एंड दिस इज फॉर कॉन्टोरिंग योर फेस। इस स्टेप को करने के लिए अगर आप चाहो तो एक स्पंज का भी यूज कर सकते हो। एंड टू ब्लेंड दिस नोज पार्ट आई एम गोइंग टू जस्ट प्रेस दिस ब्रश ओनली एंड उसी से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। सो नाउ कॉन्टोरिंग इज डन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू यूज ब्लश और ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी के प्रोफेशनल ब्लश इन द शेड रोज गोल्ड दैट इज 10। इसे मैं लगाने जा रही हूँ उसी एंगल ब्रश से जिससे मैंने अपना कॉन्टोर को ब्लेंड किया था। सो एक टिप आपके साथ शेयर करती हूँ मैं, अगर आपको फुलर लुक चाहिए देन यू नीड टू अप्लाई योर ब्लश राइट हेयर और हेयर, और अगर आपको कार्व्ड लुक चाहिए देन यू नीड टू अप्लाई दिस राइट हेयर नॉट हेयर, जिससे कि आपको थोड़ा कट लुक आए। नाउ नेक्स्ट इज टू अप्लाई हाइलाइटर एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज दिस मेबिलिन मास्टर क्रोम बाय फेस स्टूडियो मेटालिक हाइलाइटर एंड दिस इज इन द शेड अगेन रोज गोल्ड दैट इज 50, और इससे मैं अपनी फिंगर्स से लगाऊंगी। ओके सो दैट्स डन माय बेस मेकअप। सो जिसके लिए मैंने सिर्फ 3 ब्रशेस का यूज़ किया था, फाउंडेशन ब्रश, कंसीलर ब्रश जिसको मैंने पाउडर ब्रश के लिए भी यूज़ कर लिया है एंड कॉन्टोरिंग ब्रश जिसको मैंने ब्लश के लिए भी यूज़ कर दिया था। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स माई आई मेकअप। ओके सो आई मेकअप के लिए आपको चाहिए एक ब्लेंडिंग ब्रश, एक पैटिंग ब्रश दैट इज टू पैट द कलर ऑफ योर चॉइस बस, और एक स्मजर ब्रश, और कुछ नहीं चाहिए। सो फॉर ब्लेंडिंग ब्रश आई एम गोइंग टू यूज दिस ब्रश विच हैव एंगल फ्लफी हेयर्स एंड आई एम गोइंग टू लिंक इट डाउन बिलो। मुझे इसका ब्रांड नेम याद नहीं आ रहा है। एंड फॉर पैटिंग द कलर आई एम गोइंग टू यूज दिस फ्लैट थिन ब्रश एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू लिंक दिस। ओके फॉर योर आई मेकअप यू कैन नॉट यूज योर फिंगर्स राइट, बिकॉज ब्लेंड करने के लिए आपको ब्रशेस की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ अगर आपको बस कलर बिठाने हैं, यू डोंट वॉन्ट टू ब्लेंड द कलर्स जो कि बिल्कुल भी आइडियल नहीं है, तो डेफिनेटली आप अपना फिंगर का यूज़ कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड अ ब्रश फॉर योर आई मेकअप। ओके अगर आप बिगिनर हो देन एक ब्रश काफ़ी है आपके लिए टू ब्लेंड योर आई शैडो, और मैं आशा करती हूँ आप बिगिनर ही हो क्योंकि अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो देन आप डेफिनेटली बिगिनर हो। ओके सो बेस इज डन, उसके बाद मैं अभी कलर्स लगाने वाली हूँ तो उसके लिए मैं फ्लैट ब्रश को यूज़ करूँगी और मैं डार्क कलर को ऐसे पैट मोशन में लगा दूँगी। इसके बाद मैं इसी ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर दूँगी इसको ताकि कोई हार्श लाइन न दिखे। बस दिस इज डन एंड इसी फ्लैट ब्रश को मैं थोड़ा सा नीचे लेके लगा दूंगी। सो आई मेकअप के लिए बस 2 ब्रशेस काफ़ी है। आई एम नाउ टू अप्लाई आई लाइनर जिसके साथ एप्लीकेटर ऑलरेडी गिवन, सो आई एम गोना यूज दैट एंड आई एम गोना यूज नायका के आई लाइनर। आईब्राउज के लिए कोई भी ब्रशेस की ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली आईब्राउ पेंसिल यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली फॉर मस्कारा यू कैन यूज द एप्लीकेटर गिवन विद द मस्कारा।
So this is done and right now I am going to apply my lipstick obviously. And for lipstick I am using here Lakme K Liquid Lip Color. So Lakme ho ya koi aur brand ho, lipstick ke liye you get applicator for that. Okay, so this is how I achieve this look using mostly my fingers, using 2 to 3 face brushes and using 2 to 3 eye brushes as well. I have kept this makeup very beginner friendly. As you can see, I have not done any deep eye makeup or I have not applied any eyelashes as well. So yes, I think you got all the information that you need about brushes. I'm going to link all the brush and the set that I have with me. I am going to link all in the description box below. You can go and check that out. And yes guys, this is it. I hope you guys like this video. If you do so, then please hit like button and don't forget to subscribe my channel if you haven't already. And yes, please comment down below if you have any suggestions for me and if you have any video ideas that I need to make, please comment down below and let me know. And I will see you guys in my next video. Till then, bye bye.